क्या हुआ जब एक गरीब व्यक्ति जो लॉकडाउन की वजह से कहीं आर्थिक परेशानियों से पहले ही जूझ रहा था, फिर एक दिन उसके आशियाने यानी कि झुग्गी को तोड़ने पुलिसकर्मी पहुंचे। इस झुग्गी के टूटने के बाद उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया, जिसके बाद उसने देवी माँ से अपनी और अपने परिवार की रक्षा की विनती की। फिर क्या हुआ जानने के लिए इस छोटी सी वीडियो को जरूर अंत तक देखें। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये सच्ची घटना में भेजी है दिल्ली के करोलबाग के रहने वाले वासुदेव जी ने। दोस्तों, वासुदेव जी जिनका दिल्ली के करोलबाग में अपना बिजनेस है और माँ की कृपा से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, आज उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। वे बताते हैं कि पहले उनका जीवन ऐसा नहीं था, वह एक बहुत ही गरीब परिवार से थे, तब उनके लिए परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करना भी बहुत मुश्किल था। वासुदेव जी के मुताबिक ये बात तकरीबन 1999 की है, जब वह अपने परिवार के साथ पहाड़गंज की एक झुग्गी में रहते थे। तब उनके लिए झुग्गी ही उनका सब कुछ था और यही उनके परिवार का सर छुपाने का संसार था। दोस्तों, इस झुग्गी पर आज आना मतलब उनके परिवार की ईंट से ईंट बचना। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात कहा गई है कि इस पृथ्वी पर कुछ स्थिर नहीं है। शायद यही कारण था कि उनके साथ ये घटना हुई जिसने उनके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। दोस्तों, हुआ ये कि उस रात जब वह अपने परिवार के लिए खाना लेकर आ रहे थे और सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी कुछ पुलिस वाले उनकी झुग्गी के बाहर आकर चिल्लाने लगे और कहने लगे, जल्दी बाहर निकलो, जल्दी अपनी झुग्गी को खाली करो और नहीं तो इस झुग्गी को तोड़ने का समय आ चुका है और हम इस झुग्गी को तोड़ेंगे भी और तुम्हें मारेंगे भी। उन पुलिस वालों की आवाज को सुनकर वह अंदर से पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिए गए। ये सोच सोच कर घबराने लगे, आखिर इस रात में अपने परिवार को लेकर कहां जाऊंगा, आसपास भी कोई ठिकाना नहीं था। इसके बाद जो हुआ दोस्तों, उस पर आप भी यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों, माँ का यह चमत्कार किसी सपने से कम नहीं था। एक घंटा ही हुआ होगा तभी वहाँ एक महिला पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचती है और उन सभी पुलिसकर्मियों को रोकती है। अगर इस व्यक्ति या इसके परिवार के साथ हमारी वजह से कुछ भी अनहोनी हो गई तो क्या भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। उस महिला की बात सुनकर सभी पुलिस वाले डर कर घबराने लगे और वहाँ से चले गए। इतने में मैंने मौका देखकर उस पुलिसकर्मी से पूछ लिया कि मैम, आखिर आपने मुझ जैसे गरीब की मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान क्यों किया, आपको भगवान हमेशा खुश रखे। इतना सुनते ही वे महिला बोली कि ये तो माँ दुर्गा का आदेश था जिसका मुझे किसी भी हालत में पालन करना था। उन्होंने ही मुझे सपने में आकर तुम्हारी गरीबी और आर्थिक स्थिति के बारे में बताया, साथ ही साथ ये भी बताया कि आप उनके बहुत बड़े भक्त थे। इतना सुनते ही मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर मैं माँ का धन्यवाद कैसे करूँ। तब से लेकर आज का दिन है, माँ दुर्गा ने मुझे जीवन के हर मोड़ पर मेरा साथ दिया और मुझे तरक्की की राह पर पहुंचाया। तब से मेरा नियम है कि मैं हर साल माँ के नाम से गरीबों के लिए भोजन का भंडारा करवाता हूँ और गरीबों की तरह तरह से मदद करता हूँ। अगर ये खास जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।